बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरत राज और आज की वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बात करने वाले हैं हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बारे में। जी हाँ, एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत ज्यादा कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी हो गई, ये एक एक अलग से कोर्स को लॉन्च किया है उसने अपने तरीके से। कुछ यूनिवर्सिटी में होता है ऐसा, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक नाम दे रखा है। यदि आप अपने बुक नोट्स गैस पेपर को लेके आए हैं और आप देखिए, मैं आप बात करने वाला हूं 2023 में टॉपर की, क्योंकि आप 85% प्लस लाना चाहते हैं, 2023 में टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको बेहतर करना होगा, नया करना होगा, अच्छा करना होगा। मैं आपको बस ऐसे ही लगभग 15 क्वेश्चन बताकर, 15 क्वेश्चन याद कर लीजिए और 85% प्लस टॉपर, मतलब कि वो पढ़ो जो पेपर में आ रहा है। क्या करना है? वो पढ़ना है जो पेपर में आ रहा है, छप रहा है, वो मत पढ़ो जो पेपर में नहीं आ रहा है। फालतू क्यों पढ़ोगे यार? और कुछ यदि इतना ही दिमाग लगाना है ना तो कंपटीशन में लगा लो, बाकी का ये 15 क्वेश्चन पढ़ लो, पेपर हैकर पे भरोसा करो, सब कुछ यही आएगा, कुछ बाहर नहीं आने वाला है। मैं आपसे वादा करता हूं, एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा जो पेपर में छप रहे हैं। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, पेपर हैकर को, ठीक है? यदि आप बीए का चैनल, मतलब बीए भाई बीए के स्टूडेंट हैं, तो बीए भाई पेपर हैकर भी एक चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही जल्दी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी, उस पर इनके आंसर दे दिए जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आप बस तैयार करो, कुछ नहीं करना, तैयार करना है और कुछ नया करके जाना है, समझ रहे ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब यहां देखो, बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या पढ़ रहा है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है? अब यहां देखो, राजनीतिक समाजशास्त्र इसको बोलते हैं हिंदी में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजनीति समाजशास्त्र क्या होता है, इसका अर्थ, इसके महत्व, उसके उद्देश्य के बारे में देख लो। पहला क्वेश्चन है कि आपको राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। उसका महत्व क्या है, मतलब कि उसकी विशेषता, उद्देश्य के बारे में आपको देख लेना है, बस इतना आपको देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। देखो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं, पेपर में छप रहा है। राजनीतिक शास्त्र की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं, बुनियादी अवधारणाएं क्या क्या है, बुनियादी का मतलब है जिस बुनियाद पर राजनीतिक शास्त्र टिका हुआ है, ठीक है, जिससे उसका उदय हुआ था, कुछ उसके अवधारणाएं होंगी, कुछ उनके कॉन्सेप्ट होंगे, तभी तो इसका जन्म हुआ है राजनीतिक शास्त्र का, तो उसके बारे में आपको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्तियां और अधिकार, मतलब कि राजनीतिक शास्त्र जो है उसकी शक्तियां क्या है, राजनीतिक शास्त्र की शक्तियां क्या है, राजनीति की शक्तियां क्या है, और साथ ही साथ आपको बताना है राजनीतिक समाजशास्त्र है उसकी शक्तियां, उसके अधिकार आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल जैसे कि आपका बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, राजनीतिक दल है, इन राजनीतिक दलों के बारे में एक छोटा सा टिप्पणी पूछता है, वो आपको देख लेना है। उसके बाद में राजनीतिक एक होता है लामबंदी, लामबंदी होता है, ठीक है, उसको अभी देख लेना। नेक्स्ट वाला है चुनाव आयोग की भूमिका और प्रक्रिया। आपको पता है भारत के अंदर चुनाव कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, मान ली प्रधानी का चुनाव ले लो, राष्ट्रपति का चुनाव ले लो, प्रधानमंत्री का ले लो, मुख्यमंत्री का ले लो, एनीवे किसी का ले लो, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताना है कि मान लो मुख्यमंत्री का मतलब इसका ले लो, छोटा सा ले लो, प्रधान का ले लो, तुम्हें पता होगा प्रधान का चुनाव कैसे होता है, भैया वो वोट मांगता है, उसके बाद में अलग अलग पार्टी लड़ती है, अलग अलग व्यक्ति खड़े होते हैं, वो प्रक्रिया आपको बतानी है, सब कुछ वही लिखना होगा, और जो जीतता उसको कुछ दिन बाद शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, तो शपथ दिलाई जाती है, वो कौन दिलाता है प्रधानों को, तो आपका विधायक दिलाएगा, ठीक है, जो वहां का विधायक होगा वो प्रधानों को शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है, और उसके बाद में वो गांव के 5 साल तक सरपंच चुन दिए जाते हैं और वो उसको पूरा देख रेख करता है, तो ये चीज आपको यहां मेंशन करनी होगी प्रक्रिया में, ठीक है, तो आप जानते हैं, एक बार पढ़ लोगे तो बना बना के कर दोगे। मैं आपसे बोल रहा हूं, मतलब डरने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, पेपर से सब कुछ अच्छा करके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में शक्ति के वितरण के, ठीक है, सिद्धांत के बारे में। अब सिद्धांत दो व्यक्तियों ने दिया था जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था, एक था मॉस्का, एक था CW मिल्स। इन दो के बारे में पढ़ लेना कि समाज की शक्ति के कुछ वितरण सिद्धांत दिए थे, एक एक जो था मॉस्का, एक था CW मिल्स, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव समूह और हित समूह। देखो, एक होता है दबाव समूह और एक होता है हित समूह, इन दोनों की परिभाषाएं, इनके बारे में अंतर आपसे पूछ लेता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में छपेगा 2023 के, स्टूडेंट ध्यान से देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक महत्व क्या होते हैं, राजनीतिक महत्व को पढ़ लेना है, मैं ऊपर बता चुका हूं। उसके बाद में होता है पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक ओपिनियन होता है इसका मतलब होता है कि लोगों में क्या ओपिनियन है, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन के बारे में आपको देख लेना है। मीडिया की भूमिका आपने देखा होगा, एबीपी न्यूज, भारत न्यूज, ये न्यूज, वो न्यूज, एबीपी, पता नहीं कौन
फिलहाल न्यूज जो भी है, आपको क्या करना है, इन मीडियों की भूमिका बता देनी है। ये आर्टिकल 19 के ए में दे रखा है, इनको स्वतंत्रता दी गई है मीडिया को, वो कहीं भी जाकर क्या है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो लोगों को दिखा सकते हैं कुछ भी चीजें। तो मीडिया की भूमिका क्या है वो आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया जैसे कि जाति के आधार पर क्या है राजनीतिक प्रक्रिया, धर्म के आधार पर क्या है, इनकी भूमिका के बारे में आपको थोड़ा याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के क्षेत्रवाद की भूमिका, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बस इतना पढ़ना है, 2023 में टॉपर बन के आना है और पेपर हैकर को तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर आप जो बताते हैं वो आते हैं नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम कुछ भी कर रहा है एनीवे, तो आप बस यही पढ़ के जाइए, बाकी कुछ और ना पढ़िए, जो हम बताते हैं वही पढ़ के जाना, उन्हें बता दो, पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।